नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूटर 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन आज 11 बजे से शुरू होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही। नेता प्रतिपक्ष व नेता सदन आज विधानसभा में बोलेंगे। अनुपूरक बजट पर दोनों नेताओं का सदन में होगा भाषण। कई मुद्दों को लेकर दोनों नेता रखेंगे अपना पक्ष। कई अध्यादेश व विधेयक भी सत्ता पक्ष पास कराएगा। सत्र का अंतिम दिन हंगामेदार रहने के आसार। विपक्ष कर सकता है सदन का समय बढ़ाने की मांग। सर ऊपर गई है रोल सर। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में देखिए एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी अभी आपको आगे दिख रही है भाई। थोड़ी आगे जब नीचे करो सब लोग। 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी सभी ऊपर कर लीजिए राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हुई है। सर कांग्रेस का कहना है कि तेलंगाना हो मिजोरम हो या तो बीजेपी को खाता खोलने में दक्षिण के राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए केशव मौर्य जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इसलिए दे देना चाहिए, ये पिछड़े और दलितों की बात सुनते नहीं हैं और कहते हैं कि केंद्र का मामला है। मंत्री हम भी रहे हैं, हम लोग भी तरीका निकालते थे और जब तरीका निकालते थे तो निकल आता और ये बहाना लेते हैं केंद्र सरकार पर, तो इनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से इनका तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें और इनकी जगह कोई पिछड़े वर्ग का दूसरा कोई मंत्री बनाए जिससे पिछड़े और दलितों के लिए काम करें। तुरंत इनको इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। तुम हमारे हाथ नीचे। बिल्कुल, हमने भी पूरे देश ने भी देखा है जिन 5 राज्यों में मतदान पूर्ण हुआ उनके एग्जिट पोल को सबने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोष की बात है कि हम राजस्थान में मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के माध्यम से सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। उम्मीद है कि वहां भी हमारी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 प्रदेशों में हुए चुनाव में देश की जनता ने, उन 5 प्रदेश की जनता ने भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी को इन 5 राज्यों में भारी सफलता मिलेगी। ठीक है सर, जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी ने बयान दे दिया था उत्तर प्रदेश में भी। माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब ने विधानसभा में विधान परिषद में स्पष्ट किया है कि जाति जनगणना ये राष्ट्र का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के लोग बार बार चिल्लाते हैं जाति जनगणना करने की बात, जब वो सत्ता में होते हैं भूल जाते हैं, अपोजिशन में होते हैं जाति जनगणना याद आती है। उनको ध्यान रखना होगा कि ये मुद्दा केंद्र का है और केंद्र सरकार को इसमें फैसला लेना है। धन्यवाद। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम, विभिन्न दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी ने कराई ज्वाइनिंग। बनवारीलाल कंचल समेत कई लोग बीजेपी में शामिल। आरएलडी के वरिष्ठ नेता आरिफ महमूद बीजेपी में शामिल। सपा कांग्रेस आरएलडी के नेताओं ने ज्वाइन की भाजपा। उत्तराखंड स्थित सिलकियारा टनल से सकुशल निकले उत्तर प्रदेश के श्रमिकों से अपने आवास पर मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ में मौजूद रहे प्रमुख सचिव संजय प्रसाद। बता दें उत्तराखंड स्थित सिलकियारा टनल से सकुशल निकले उत्तर प्रदेश के श्रमिकों से अपने आवास पर आज मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने।
वहीं साथ में मौजूद रहे प्रमुख सचिव संजय प्रसाद। मेरा नाम मनीराम है, मेरा लड़का का नाम राम सुंदर। मेरा नाम गन्नू है, मेरा लड़का का नाम जय प्रकाश। आप क्या करते हैं? राजाजीपुरम में तेज रफ्तार ट्रक मकान के अंदर घुसा। संतुलन बिगड़ने पर ट्रक मकान के अंदर घुसा, दीवार तोड़ते हुए मकान के अंदर ट्रक घुस गया। ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हुआ। तालकटोरा थाना क्षेत्र स्थित राजाजीपुरम डी ब्लॉक का ये मामला है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक मकान के अंदर घुसता चला गया। विधानसभा के हजरतगंज क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था बेहाल। हलवासिया चौराहे से लेकर डीएम आवास तक लगा भीषण जाम। आए दिन लगता है रोड पर घंटों तक भीषण जाम। हजरतगंज क्षेत्र का ये मामला है। विधानसभा के हजरतगंज क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था बेहाल है। हलवासिया चौराहे से लेकर डीएम आवास तक आज घंटों भीषण जाम लग रहा। आए दिन यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। लखनऊ से रिपोर्ट रवि श्रीवास्तव।